हे गाइस, आज का चैलेंज काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। मैं अपने ग्रिप स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाला हूँ एंड अपना ओवरऑल फंक्शनल स्ट्रेंथ को चेक करने वाला हूँ बाय क्लाइंबिंग दिस कोकोनट ट्री। पहले चालू करता हूँ इस छोटे से ट्री से, फिर देखता हूँ धीरे धीरे कितना मैं अपने आप को पुश कर पाता हूँ और धीरे धीरे थोड़े हायर ट्रीज को भी अटेम्प्ट करने की ट्राई करता हूँ। चालू करने से पहले थोड़ा सा टेक्निक देखते। लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया तो बुरी तरह गिरा था मैं। ये देखो, छिल गया मेरा शिन्स। बट अभी थोड़ा सा ये अंकल का टेक्निक देखना। पैर पे जब ये जो रोप लगाने से काफ़ी इजी हो जाता है, बट आई विल ट्राई विदाउट एनी रोप पहले अटेम्प्ट में, फिर थोड़ा इजी करने के लिए रोप के साथ करेंगे। आई थिंक वो एक हाथ से पुश कर रहे हैं, एक हाथ से पुल कर रहे हैं। शूज़ के बिना ही मैं करूँगा, बट थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं क्योंकि हम कोई सीजनल ट्री क्लाइंबर नहीं है। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होगा, मेनली टू ओपन दिस हिप्स। When you got someone treating slowly, mama told me it all comes back to you. When you got someone treating nicely, I think so. एकदम तैयार लग रहा हूँ अभी। पहला अटेम्प्ट होने वाला है ये छोटा सा झाड़ विदाउट एनी सपोर्ट। चने के झाड़ पे तो लोग बहुत चढ़ाते हैं, बट आज मैं कोकोनट के झाड़ पे चढ़ने का ट्राई करूँगा। मुझे लगता है ये एक टेक्निक है जहाँ पे ग्रिप का ज़्यादा यूज़ होगा और फिर मैं साथ में जंप करूँगा। तो मैं यहाँ पे हाथ से पुल कर रहा हूँ और पैर से पुश कर रहा हूँ, तो ये वाला टेक्निक आई थिंक सो काम करेगा। तो अभी गोल होगा ऊपर टच करके नीचे आना है। लेट्स गो। नहीं है, ये साइड से अच्छा होएगा। ऑलमोस्ट डेड, बहुत स्लिप हो रहा है पैर। ये बहुत डिफिकल्ट था यार। हे गाइस, तो ये वाला पेड़ में ऑलमोस्ट चढ़ गया, बट काफ़ी स्लिपरी है ये वाला। अभी थोड़ा सा बड़े वाले में अटेम्प्ट करते हैं। लेट्स सी इस पे चढ़न हो पाती है या नहीं। इजी, इट्स ऑल अबाउट पुशिंग एंड पुलिंग। मैं हाथ से पुल करता हूँ और पैर से पुश करता हूँ, तो आई थिंक सो पैर पे ग्रिप मिल गया, तो हाफ ऑफ द गेम इज डन। ऑलमोस्ट देयर, इजी। ये वाला काफी इजी था दोस्तों, बहुत मजा आ गया। आई फील लाइक I'm on top of world. नारियल होता तो आपके लिए नारियल भी लाता था, बट नारियल तो है नहीं। अब नीचे आना भी आसान नहीं होगा। अटक गया भाई, नीचे आना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज स्लाइड हो जाता है कभी कभी। हे गाइस, थोड़ा सा ऊंचा है ये, पीछे काफी बेहतरीन फोटोशूट हो रहे हैं, बट फिर भी हम चढ़ेंगे इस कोकोनट झाड़ पर और गोल होगा उसको टच करना। कम ऑन, लेट्स गो। फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है ब्रो, फर्स्ट अटेम्प्ट इजी। फाइनली
आई थिंक हो गया, टच तो हो गया। क्रेजी मैन, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं नेक्स्ट टाइम में, लेट्स ट्राई अगेन। लेट्स सी, पहले ही हाथ थक गए हैं बट अटेम्प्ट तो करना ही है बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन फंक्शनल स्ट्रेंथ। सिर्फ जिम में जाके एक ही मूवमेंट 100 बार करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि लाइफ के हर एक मूवमेंट में हम स्ट्रांग होते जाए। तो जो भी आप पुलिंग मूवमेंट्स करते हो जिम में और पुशिंग मूवमेंट्स करते हो उसका ये एक रॉ एप्लीकेशन है, विदाउट एनी हैंड ग्रिप्स, विदाउट एनी लेग सपोर्ट। लेट्स सी। टफ हो रहा है भाई, हाथ स्लिप हो रहा है ब्रो। सो गाइस, ये था मेरा फाइनल अटेम्प्ट इस बड़े झाड़ पर, जहाँ पर मेरे हाथ और पैर पहले ही काफ़ी थक गए थे और छिल भी गए थे। आप देख सकते हो ये कैसा डिफ़िकल्ट है, मेरा पैर काफ़ी फिसल रहा है यहाँ पे, बट स्टिल अपना पूरा एफर्ट डाल के मैं इस पेड़ पे ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना ऊपर चढ़ गया। ऊपर ये काफ़ी पेड़ नैरो हो रहा था, इसलिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और ऊपर जाने के लिए। सो मैं हाथ तो नहीं लगा पाया ब्रांच को, बट स्टिल अपना सिर लगा पाया, विच इज़ ए गुड अचीवमेंट फॉर मी। और फिर नीचे भी आना कंट्रोल्ड वे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप देख सकते हो मैं स्लाइड करके नीचे आ गया, जहाँ पर अगेन मेरा हाथ थोड़े से छिल गए थे, बट स्टिल आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर एकम्प्लिशिंग दिस गोल। इतना घिसने के बाद हाथ भी गया और पैर भी काफ़ी घिस गया है, बट बहुत मज़ा आया। अपने ग्रिप स्ट्रेंथ को अल्टीमेटली मैंने टेस्ट कर लिया, ग्रिप स्ट्रेंथ ही नहीं एक्चुअली पैर का भी ग्रिप स्ट्रेंथ यहाँ पे टेस्ट हुआ है दोस्तों। सो ये जस्ट एक रॉ फंक्शनल टेस्ट करने के लिए मैंने अटेम्प्ट किया था। अगर आपके पास भी बेसिक लेवल स्ट्रेंथ नहीं है तो इतना ऊपर तक चढ़ने का रिस्क मत लेना, छोटे झाड़ से भी आप नीचे के लेवल पे भी ट्राई कर सकते हो। मेरे लिए भी ये बहुत काफ़ी टफ था एक्चुअली, क्योंकि झाड़ भी एकदम स्ट्रेट है और ऊपर जाते जाते थोड़ा सा नैरो हो जाता है तो और भी टफ हो जाता है। बट दिस वॉज जस्ट ए फन फिटनेस चैलेंज, यू कैन ट्राई इफ़ यू आर एबल टू, एंड लेट मी नो हाउ वेल यू कैन डू इट बाय टैगिंग मी ऑन इंस्टाग्राम @KirtanFit। सो हमारा गोल हमेशा ज़्यादा सफल, ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा एथलेटिज्म डेवलप करने का होता है, इसलिए मैंने इसे किया। सो और भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आगे तो हम करते रहेंगे, क्योंकि पागलपंथी थोड़ा बहुत तो फिटनेस में ज़रूरी है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे सफल, स्टे स्ट्रांग।